गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद चैप्टर नंबर सेकेंड। हम लोग इससे पहले भी दो वीडियो आप लोगों ने देख चुका है। क्लास नाइन्थ के लिए ये सेकेंड वीडियो है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेट्रोग्राद। हमारा आज का टॉपिक है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। तो पेट्रोग्राद क्या है? तो पेट्रोग्राद जो है वो रशिया की राजधानी है। तो सन 1917 में पेट्रोग्राद जो राजधानी थी रशिया की, वहाँ पे क्रांति हुई थी। क्रांति किस बात के लिए हुई थी? वहाँ किसका शासन था? जार का। और जार को हटाने के लिए वहाँ पे क्रांति हुई थी। तो सन 1917 मजदूरों के क्वार्टर नेवा नदी के दाएं तट पर थे और रईस लोगों के क्वार्टर बाएं तट पर थे। तो सन 1917 देखिए, जो पेट्रोग्राद शहर था और उस शहर का जो नक्शा था, वो नदी एक बीच में थी और नेवा नदी उसका नाम था, नेवा नदी का नाम था नेवा। और बाएं तरफ कौन थे? दाएं तरफ मजदूर थे और बाएं तरफ रईस लोगों के क्वार्टर्स थे। और जो रशिया थी, रशिया में उस साल मौसम बहुत ही ख़राब था। बर्फबारी हुई थी, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, फसल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन वगैरह नहीं मिल पा रहा था। और यही इस क्रांति का मुख्य कारण भी था, एक तरह से मान के चलिए। ठीक है, तो गरीब मजदूरों की जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक है, जो कि दाएं तट पर रह रहे थे नेवा नदी के, और बाएं तट पर रईस लोग रह रहे थे। जो सरकार के लोग थे वो, या ऑफिशियल्स लोग जो थे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, ना भोजन का, ना पानी का, ना किसी भी तरीके की असुविधा नहीं थी, वहाँ पे सब चीज़ ठीक था। लेकिन जो मजदूर थे उन लोगों के पास तमाम तरह की दिक्कतें थी जिनको वो लोग झेल रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, अब इकट्ठा हो रहे थे। आप ही सोचिए कि 10 लोग हैं जो खूब आराम से ऐश मौज से रह रहे हैं और 100 लोग वो हैं जो परेशान हैं, तो ये 100 लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे ही करेंगे, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेट्रोग्राद में भी वही चीज़ हुआ था। कुछ लोग जो राजशाही के साथ थे वो मौज से रह रहे थे बाएं तरफ, और जो मजदूर थे वो दाहिनी तरफ नेवा नदी के दिक्कतों का सामना कर रहे थे। तो कितने दिनों तक वही दिक्कतों का सामना करेगा, कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा? अंत में विद्रोह हो गया, लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के क्या करने लगे? अब वो लोग दाहिनी तरफ बाएं तरफ रईस क्वार्टर्स के तरफ आकर के आंदोलन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। अब देखिए 22 फरवरी जो 1917 में ही 22 फरवरी का दिन था, उस दिन एक फैक्ट्री में पहले हड़ताल किया गया। ठीक है, और हड़ताल एक फैक्ट्री में हुआ। क्यों हड़ताल हुआ? क्योंकि फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया था, जिसके एवज में पूरे फैक्ट्री के लोगों ने कहा कि नहीं, इनको निकाला नहीं जाना चाहिए। इसके एवज में उन्होंने हड़ताल कर दिया, और हड़ताल से उनको देख करके और भी 50 कंपनियों ने हड़ताल कर दिया, जिसकी वजह से सारा इंडस्ट्रियल काम ठप हो गया। ठीक है, और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से बाद में इसी तारीख को 22 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर की गई, और शायद मनाया भी गया। ठीक है, 22 फरवरी को महिला दिवस के रूप में, महिला दिवस मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए, कि और क्योंकि औरतों ने इस हड़ताल में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसलिए इसे महिला दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पेट्रोग्राद रशियन क्या था, रशिया की राजधानी थी, और वहाँ पे ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मजदूरों ने किया था। 22 फरवरी को जो फैक्ट्री में आंदोलन हो रहे थे, हड़ताल थे पे चले गए थे लोग, वो लोग भी मजदूर ही थे। अब 27 फरवरी को क्या होता है कि अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, 27 तारीख को होता है कि सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं और वो पुलिस मुख्यालय पर हमला कर देते हैं। ठीक है, बट और जब इसके विरोध में सिपाहियों को आदेश दिया जाता है कि आप इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाएं, तो सिपाहियों ने मना कर दिया गोली चलाने से, और जब उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया
तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसर को ही गोली मार दी। हिज ऑफिसर डिसओबेड एंड फायर्ड ऑन हिज ऑफिसर एंड देयर आल्सो रिवोल्टेड एंड मेड दी पेट्रोग्राद सोवियत। और उन्होंने सिर्फ गोली ही नहीं मारी, अपने ऑफिसर को गोली ही नहीं मारी, बल्कि वो लोग जाकर के आंदोलनकारियों से मिल गए। अब तक तो आंदोलनकारी डंडा या फिर झंडा कुछ लेके घूम रहे थे, अब उनके साथ जो ये सिपाही जो वहाँ के पुलिसकर्मी हो गए थे वो जब उनके साथ मिल गए तो उनकी ताकत क्या हो गई, दुगना हो गई। क्योंकि अब तक वो लोग निहत्ते थे, अब उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो हथियारबंद थे। हथियारबंद का मतलब कि वो लोग हथियार के साथ थे, क्योंकि वो सैनिक थे और वो भी जा करके क्रांतिकारियों या रेवोल्यूशनरी कुछ भी आप कह सकते हैं या आंदोलनकारी जो थे उनके साथ वो लोग जाके मिल गए कि नहीं आप सही हैं, और उन्होंने अपने अधिकारियों के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने वहाँ पे आंदोलनकारियों से मिल करके एक पेट्रोग्राद सोवियत बनाया, ठीक है, पेट्रोग्राद सोवियत। और जब पेट्रोग्राद सोवियत बन गया तो कुछ कमांडर्स जो थे सेना के वो लोग जाते हैं राजा के पास, जार के पास, और जाकर बोलते हैं कि जार अब आप अपनी गद्दी छोड़ दें, अगर आप गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। तो जब ये बात जार सुनता है तो भाई सबको अपने प्राणों का डर है और वो अपनी गद्दी को छोड़ देते हैं, ठीक है, वो सब मान जाते हैं उनकी बात को और वहाँ से फ्ली कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अब वहाँ पर सबने मिलकर जो आंदोलनकारी थे वो लोग भी और जो सिपाही लोग थे वो लोग भी, उन लोगों ने मिलकर संविधान का गठन किया और राजशाही को खत्म कर दिया। और उन्होंने संविधान के गठन पे ये भी किया कि सबको वोट देने का अधिकार के सभी लोग जो वोट देंगे उन्हीं के मताधिकार के प्रयोग के बाद ही हम लोग अपना संविधान या फिर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपने मन से या जबरदस्ती कोई काम नहीं हो सकता है, सबके हिसाब से, सबके वोटिंग पावर के हिसाब से ही काम किया जाएगा, ये तय करते हैं वो लोग। अब देखिए 1917 में ही व्लादिमीर लेनिन जो कि वहाँ के एक नेता थे, ठीक है, और व्लादिमीर लेनिन वापस रूसिया लौट आते हैं। उससे पहले वो लोग भागे हुए रहते हैं, रसिया छोड़ के भागे रहते हैं, किसके डर से, जार के डर से कि कहीं जार उन्हें मरवा ना दे, तो वो लोग रसिया छोड़ करके भाग गए रहते हैं। लेकिन 1917 में वो वापस आ जाते हैं, क्यों वापस आ जाते हैं, वहाँ की स्थिति को देखते हुए कि उन्हें लगता है कि अब फल पक चुका है, अब तोड़ने के समय आ गया है, तो फिर चलो, उनको पता चल लगता है कि आंदोलन अब स्टार्ट होगा, लोगों में गुस्सा है, अब इनको अच्छा से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए व्लादिमीर लेनिन वापस आ गए और उन्होंने एक अप्रैल थीसिस दिया, उन्होंने कहा कि जो भी युद्ध चल रहा है 1914 से 1918 तक सबको पता है विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध का मतलब दो यूरोपीय शक्तियों के बीच ही झगड़ा था अपने वैश्विक संसाधनों को लेकर के, और वो लोग आपस में भिड़ गए थे जिसमें कि पूरे दुनिया ने एक तरह से हिस्सेदारी निभाई थी, और चूंकि उन लोगों का अधिकार बहुत सारे अदर कंट्रीज पे भी था इसलिए युद्ध सिर्फ यूरोप में नहीं हो रहा था और बाहरी इलाकों में भी युद्ध हो रहा था अदर कंटिनेंट्स में भी उन्हीं के बीच, इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया था। तो व्लादिमीर लेनिन जब वापस आते हैं 1917 में रसिया में, तो उन्होंने घोषणा किया, तीन घोषणा थे उनकी इन्हीं तीन घोषणा को अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि युद्ध को, पहली बात कि युद्ध को खत्म कर दिया जाए, दूसरा था कि जमीन जो थी देश के अंदर उनको गरीब किसानों में बांट दिया जाए, और तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, बैंक किसी भी व्यक्ति का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगा, वो राज्य के गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, अब वो प्राइवेट नहीं रह जाएगा। तो इन तीनों डिमांड्स को उन्होंने व्लादिमीर लेनिन ने रखा और इन्हीं तीनों डिमांड को बाद में चल के अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही उन्होंने शायद इन तीनों मांगों को रखा था। और अब 1917 में आए, उन्होंने अपने ये तीन थीसिस दिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए 17 जुलाई 1917 सेना द्वारा आंदोलनकारियों पर गोलीबारी,
देखिए 17 जुलाई 1917 आपकी किताब में एक फोटो दिया गया है, उसमें बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग भाग रहे हैं और उनको गोली उन पर गोली चलाई जा रही है, ऐसी एक तस्वीर आपकी किताब में दी हुई है। ठीक है, तो 17 जुलाई 1917 को लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और बोल्शेविक्स और वो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, जिसके एवज में सरकार ने आदेश दे दिया कि आंदोलनकारियों पर गोली चला दी जाए। और आंदोलनकारी पर जब गोली चलने लगेगी तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ भगदड़ तो होगी, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा आंदोलन था पेट्रोग्राद में, पेट्रोग्राद जो वहाँ का राजधानी थी रशिया की, वहाँ पे ये आंदोलन हो रहा था। और सिर्फ ये पेट्रोग्राद में नहीं हो रहा था, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दूसरे जो छोटे छोटे शहर थे ना, उन सब में भी अब आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब देखिए 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों और सरकार के बीच युद्ध, और अंत में बोल्शेविकों की जीत के साथ उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। देखिए 24 अक्टूबर 1917 ये जो व्लादिमीर लेनिन थे, इन्होंने कहा कि अब हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट से युद्ध करेंगे। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से युद्ध करने का उन्होंने तो तय कर लिया, बट दे डिड नॉट डिक्लेयर द डेट, उन्होंने ये नहीं कहा कि कब हम लोग युद्ध करेंगे। ठीक है, लेकिन 24 अक्टूबर को उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, और उनके पास जो एक नेवल शिप था उसके माध्यम से उन्होंने वहाँ पे जाकर के हमला बोल दिया पेट्रोग्राद में। पेट्रोग्राद में हमला किया और हमला करने के बाद वहाँ पे कब्जा करने लगे, और इसके बाद सिर्फ इसी शहर में नहीं, अलग अलग शहरों में भी उन्होंने जाकर के कब्जा किया। और 24 अक्टूबर 1917 को जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, पेट्रोग्राद सरकार के समर्थक जो सिपाही थे उनके बीच और बोल्शेविक्स और जो सैनिक उनके साथ थे उनके बीच एक युद्ध छिड़ गया था। और उस युद्ध में अंततः जो विजय होती है वो बोल्शेविक्स की होती है, और बोल्शेविक्स जीत जाते हैं और उन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया। उन्होंने एक अपनी नई गवर्नमेंट को बनाया, जिसके तहत अब आगे वो लोग रशिया का भविष्य तय करने वाले थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।